देश को आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्रपति महात्मा गांधी और दुनिया भर में भारत का सर फक्र से ऊंचा करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस ने उनका स्मरण किया। कांग्रेस नेता और कर्मचारियों ने शास्त्री और बापू पर जो है पुष्प अर्पित किए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, मान सिंह परसोदा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरुल हसन नूर के नेतृत्व में कांग्रेस जन रविवार को बापू पार्क में एकत्रित हुए। यहां आज़ादी के पुरधा महात्मा गांधी का स्मरण किया गया, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का उल्लेख किया गया और पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर बापू पार्क परिसर में आंदोलन कर रहे संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चे के समर्थन देते हुए दिखाई दिए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस हमेशा की तरह कर्मचारी के हित में काम करती रहेगी। जिस तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाया है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अनुरोध किया जाएगा कि वह कर्मचारियों के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। कांग्रेस जन कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे तक किए गए उपवास में भी शामिल हुए। जिलाध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी कि अगर सरकार चलाने वाले कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया तो सरकार पलटने के भी जो है इसमें देरी नहीं लगेगी। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो आपने समर्थन दिया है, आज जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के सम्माननीय अध्यक्ष श्री मान सिंह जी परसोदा और शहर अध्यक्ष हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता अधिकारी आदरणीय नूर साहब जी के नेतृत्व में यहां हमारे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर यहां आए और सभी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी शास्त्री जी अमर रहे इन नारों के साथ कि जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी शास्त्री तेरा नाम रहेगा के साथ हमने आज इनको याद किया और सबने संकल्प भी लिया कि हम सब महात्मा गांधी जी के और शास्त्री जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। इसके साथ ही हम जिला कांग्रेस कमेटी और तमाम पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, मध्य प्रदेश अधिकारी और कर्मचारी की संयुक्त मोर्चे की जो आज यहां 2 घंटे का भूख हड़ताल धरना आंदोलन इन्होंने किया है, हम बहुत ही जब हमने ज्ञापन सुना तो अचंभित हुए कि एक ऐसी सरकार जो हमारे प्रदेश को पाल रही हो कर्मचारियों के द्वारा, उन कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। उनके जीवन नौकरी भर करने के बाद उनकी पेंशन बहाली के लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने ये निर्णय कर दिया है कि पेंशन दी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश की बेशर्म सरकार जो है इनकी मांग नहीं पूरा कर रही है। लेकिन आज हम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष जी से, कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे कर्मचारियों की मांगों को आप हमारे 23 में होने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करें और कर्मचारियों को मांगे पूरा करने के लिए हम आज कर्मचारियों को वचन देते हैं कि हम आपके लड़ाई में उनके साथ हैं, सदैव उनके साथ रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस परिवार हमेशा कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती आई है, क्योंकि कर्मचारी हैं तो सरकार है और कर्मचारी की अगर उनका अपमान होगा तो सरकार जाने में देर नहीं लगेगी, ये शिवराज सिंह जी को सोच लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।